नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो एपिसोड होने वाला है वो दो दोस्तों के साथ घटी हुई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना है, जिस घटना के बारे में उन दोनों ने कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि कुछ ऐसा होगा हमारे साथ। दरअसल ये जो घटना थी 11 साल पहले किसी की ज़िंदगी में घटी थी, और कुछ इस कदर से घटी थी ना कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएगी। चलिए चलते हैं आज से 11 साल पहले बिहार के छोटे से गांव में और जानते हैं इस कहानी को डिटेल में। तो इस गांव में दो पक्के वाले दोस्त रहा करते थे, बचपन के पक्के दोस्त। एक का नाम था अंशु और दूसरे का नाम था दिलीप। इतने घनिष्ठ मित्र थे कि दोनों ने डिसाइड करके रखे थे कि यार पढ़ाई तो साथ में कर ही रहे हैं, आगे चल के कॉलेज भी साथ में करेंगे और फिर जॉब भी। और ऐसे ही हुआ भाई, ये लोग अपने छोटे से गांव से निकलकर पटना पहुंच गए हैं, वहां पे अपने कॉलेज की पढ़ाई किए हैं और फिर इंतज़ार करने लगे कि कोई जॉब मिल जाए। और एक दिन ऐसा आता है कि झारखंड की एक फैक्ट्री में इन लोगों को बढ़िया सी एक जॉब मिल जाती है। ये शुगर रिलेटेड फैक्ट्री थी, मतलब वहाँ पे ना मिठाई से रिलेटेड, मतलब शक्कर से रिलेटेड कुछ काम होता था ऐसी वाली, और दोनों को एक साथ वहाँ पर जॉब मिली। सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। वहीं पर झारखंड में जाके शिफ्ट हो गए, किराए का कमरा खरीद लिए। पहले एक घर था, ये दोनों रहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, इन लोगों ने, ये थोड़ा सा छोटा घर था ये, तो दोनों को प्रॉब्लम होने लगी। मतलब कैसे, ऐसे झगड़ा वाला प्रॉब्लम नहीं, स्पेस की प्रॉब्लम होने लगी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक दूसरा रूम ले लेते हैं, आसपास ही रहेंगे और आराम से भी रह पाएंगे और टेंशन भी रहेंगे, और अपनी सैलरी तो इतनी हो ही गई है ठीक ठाक, तो ठीक है। दोनों ने अलग अलग अपना कमरा घर कर लिए भाई। अब दोनों साथ में ही सुबह सुबह मिल जाते, साथ में ही अपनी फैक्ट्री जाते, शाम को लौट जाया करते। एक दिन की बात है, रात के समय 10 बजे के आसपास अंशु खाना निकाल के, अपना डब्बा आता था उसके घर पे, टिफिन आता था, खाना खाने ही वाला था, पहले ही निवाला लेने वाला था कि उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाता है, फ़ोन में उसके फैक्ट्री के बॉस थे। वो बोलते हैं कि तुमको आज रात में आना ही पड़ेगा, आज नाइट शिफ्ट करो, कल अपने फैक्ट्री में एक पॉलिटिशियन आने वाले हैं बहुत बड़े, तो उनके सामने अपने को सारा काम टिप टॉप दिखाना है, तो तुम आज रात में यहाँ पर पहुँचो और सुबह तक यहाँ पर रहोगे। इसने बोला सर खाना भी नहीं खाया। बोले नहीं टाइम नहीं है, यहीं पर जाओ, यहीं पर देख लेना सब। बोला ठीक है। ये अपना डब्बा वहीं पे छोड़ देता है कि इधर कहाँ लेके जाऊँगा, वहीं से कुछ चुटपुट मिल जाएगा वही खा लूँगा। फटाफट कपड़े पहना है, अपने घर पे ताला मार के निकल पड़ा। सोचा कि एक बार अपने दोस्त से तो पूछ लो, दिलीप से भी, कहीं उसे भी तो फ़ोन नहीं आया। थोड़ी आगे दिलीप का घर था, दिलीप के घर के सामने जाके आवाज़ लगा रहा, दिलीप दिलीप, तो दिलीप भी फटाक से जूते डालते हुए बाहर निकला था। बोला तू भी चल रहा है क्या? दिलीप ने बोला हाँ यार मुझे ही फ़ोन आया। ताला वाला लगाया, दोनों पैदल पैदल आगे बढ़ने लगे। बोले बताओ यार, रात में भी ये लोग नहीं छोड़ रहे, परेशान करके रख दिए हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोग इंतज़ार करने लगे कोई टेम्पो ऑटो ये सब आने का, लेकिन इतनी रात गए, इनका जो इलाका था वो थोड़ा अंदर की तरफ था, यहाँ पे कोई ऑटो ऑटो नहीं आ रही थी। खड़े खड़े इन लोग परेशान हो गए, बोले पैदल पैदल चलते, नहीं तो फिर से फ़ोन आ गया तो अब दिमाग ख़राब हो जाएगा। यहाँ से इनका जो फैक्ट्री था वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। ये लोग बात करते 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 बढ़ने लगे। दोनों ने ही खाना नहीं खा पाए थे, और दोनों का जो खाना खाने का टाइमिंग था वो बहुत फिक्स्ड था, क्योंकि सुबह जाने का टाइम पक्का था, आने का टाइम पक्का था, खाने का टाइम पक्का था, और अभी तक इन लोगों का खाना हुआ नहीं था, और टेंशन में चलते चलते भी आ रहे हैं तो भूख लग गई रास्ते में। अभी भी इनका जो फैक्ट्री है वो और लगभग 1.5 किलोमीटर बाकी था, और जो ये सीधे सीधे रास्ते से चल के जा रहे थे ना, तो इस रास्ते में कुछ नहीं पड़ना था। ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल आउटर इलाके में होते हैं शहर के, तो इन लोगों ने सोचा कि यहाँ से जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इतने में ही अपना दिलीप कहता है कि यार अंशु वहाँ पे दूसरा रास्ता भी जाता है ना अपनी फैक्ट्री की तरफ, पीछे वाला रास्ता, वहाँ से चल ले क्या? अंशु बोलता है कि यार मैं कभी गया नहीं उस रास्ते से। बोलते हैं चलना यार, चल लेते, हो सकता है कि वहाँ पे पीछे तरफ कुछ खाने का हो, अपने फैक्ट्री के कुछ लोग दोपहर में भी खाने के लिए जाते हैं पीछे वाले रास्ते की तरफ, अपन लोग कभी गए नहीं हैं। वैसे भी इन लोगों को यहाँ पर काम करते हुए बहुत समय नहीं बीता था, यही कोई 2 महीने करीब हुए रहे होंगे। तो बोले चल चल के देखते हैं पीछे वाले रास्ते से।
तो ये दोनों एक दूसरा रास्ता पकड़ के ऐसे जगह पर जाने लगे जो इनको इनकी फैक्ट्री के पीछे वाले गेट तरफ पहुंचाता। थोड़ी आगे जाने के बाद किस्मत से भूख बहुत लगी हुई थी, किस्मत से इन लोगों को एक ढाबा जैसा दिखाई दे दिया, छोटा सा ढाबा। ये खुश हो गए, लाइट जल रही थी, कोई ग्राहक वगैरह नहीं था, लेकिन हाँ अंदर काम करने वाला आदमी ज़रूर था। लोग बोले कि यार अभी भी अपनी फैक्ट्री लगभग 700-800 मीटर बाकी है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अपने को कुछ भी खाने वाने का मिल पाएगा। ऐसे दोनों ने बात की है, यहीं से फटाफट कुछ ले लेते हैं, चल 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 ले लेते हैं और हल्का फुल्का लेके खाते हुए जाएंगे। ऐसा बोल के ढाबे के अंदर गए हैं तो वहाँ पे जो ढाबे का मालिक था कि कौन था, वो खड़ा हुआ था, इनको बड़े ध्यान से घूर घूर के देख रहा है। उसके हाथ में ना कुछ ऐसा प्लेट जैसी थी। इन लोग जैसे वहाँ पर गए तो ना इन लोगों को वहाँ से पकोड़े जैसी स्मेल आई। तो बोले पकोड़े मिल जाएंगे क्या? तो वो ढाबे वाला जो आदमी था वो कहता है मिल जाएंगे, बड़े अजीब तरीके से बोला मिल जाएंगे। तो अंशु ने बोला कि दो प्लेट दे दीजिए। ढाबे वाले ने क्या किया, उसके हाथ में जो प्लेट थी ना उसको ऐसा हवा में घुमाया है और उसमें आ गए पकोड़े। बोला कि ये लो, हवा में घुमा के पकोड़े आ गए। हाँ, ये देखते रह गए। बोले कि यार बताओ लोग एक से करतब कर रहे हैं। बोले एक और प्लेट चाहिए। बोले अच्छा एक और चाहिए। फिर ऐसा घुमाया, ये लो। उसे खाली वाले प्लेट में ना पकोड़े भर जा रहे हैं, वो ऐसा घुमा रहा है हवा में। तो बोले कि अच्छे करतब है, कोई हाथ की सफाई करता होगा। बोले कितने रुपए हो गए? तो उसने बोला पैसे वैसे रहन दो, वैसे भी मैं अपना बंद कर रहा था दुकान और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम लोग ज़रूरतमंद टाइप के लग रहे हो, तुमको भूख लगी हुई चेहरे से देख के लग रहा है, तुम लोग जाओ ऐसे खाते खाते जाओ। इन लोगों ने बोला अच्छी बात है यार, कुछ ढाकने के लिए मिल जाएगा क्या? क्योंकि अब तो जंगल झाड़ी है ज़्यादा यहाँ पे, आगे कीड़े वीड़े गिर जाए। तो उसने दो कागज़ उठा के दे दिया कि इससे ढक के लेके जाओ। अब दोनों ने एक एक प्लेट अपने हाथ में पकड़े हैं, कागज़ से ढका हुआ है, और अपने फैक्ट्री की तरफ फिर से चल पड़े। ढाबे की लाइट जितनी दूर आ रही थी उतनी दूर तो ठीक था, लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। अब अपना दिलीप बोलता है कि यार मुझे तो भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता फैक्ट्री आते तक, वहाँ पे और लोग आ गए तो अपने जो पकोड़े एक प्लेट है वो एक पकोड़ा मिलेगा अपन खा जाएंगे लेके, बाकी सब खाने लगेंगे। तो उसने वो कागज हटाया और एक निवाला लिया ही है, एक पकोड़े का एक बाइट लिया ही है कि उसको बहुत अजीब सा टेस्ट लगा, वो मुंह बनाने लगा, फिर भी खाया। फिर दूसरा एक और बार बाइट लिया, पूरा पकोड़ा हो गया भी खा के, एक पकोड़ा पूरा खा के हो गया, फिर बड़ा गंदा सा मुंह बनाया। तो इसने नोटिस कर लिया, साथ साथ में तो चल रहे थे। बोला क्या ऐसा मुंह बना रहा है यार तू? बोले कुछ नहीं यार, बड़ा गंदा टेस्ट लग रहा है इसका। बोला गंदा टेस्ट? तो रुक जा अभी खा मत भला, अपन ने वैसे भी कहाँ से लिए कहाँ से नहीं अपन जानते नहीं थे उस ढाबे को। थोड़ी आगे लाइट आ जाएगी फैक्ट्री की, फिर देखते हैं भला लाइट की तरफ चल के कि क्या है, कोई ख़राब वराब तो नहीं चिपका दिया अपन को। ऐसा बोल के दोनों अब जल्दी 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 आगे की तरफ बढ़ने लगे और थोड़ी आगे जाने के बाद फैक्ट्री की लाइट आ गई, मतलब फैक्ट्री भी आई गई थी। अब अंशु बोलता है दिखाना भला कैसे पकौड़े हैं तेरे। उसने ऐसा दिखाई और जैसे अंशु ने देखा तो अंशु के मुँह से चीख निकल गई, क्योंकि जो उसके पकौड़े थे, मतलब दिलीप के हाथ में जो पकोड़े थे प्लेट में, वो पकोड़े नहीं थे, वो इंसानी उंगलियां थी ऐसे पीसेस में कटे कटे। तो देख के शॉक्ड, बोला साले ये उंगली है? तो वो डर के मारे उसने पूरा फेंक दिया और जैसे फेंका तो नीचे पूरी बिखर गई और वो प्लेट के निचले हिस्से में तो थोड़ा थोड़ा खून भी था, पूरी फैल गई। अंशु ने डर के मारे अपनी प्लेट के ऊपर से कागज हटाया तो क्या पाया कि उसकी प्लेट में तो आंखें हैं, इंसानी आंखें, वो भी बहुत जोर से डर के उसको ही फेंक दिया। अब इतने में ही ये दोनों समझ गए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पर दिलीप पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। कारण क्या था ब्लैंक होने का? क्योंकि उसने वो चीज खा लिया था। अब कोई इंसान देखे वो तो ठीक है, कुछ सेकंड के लिए डरेगा, हट जाएगा छी 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 करके, लेकिन जो इंसान ऐसी चीज को खा ले वो कितना एकदम स्तब्ध रह जाएगा। तो वैसे ही दिलीप रह गया। तो ये तो डर गया अंशु ज़्यादा और उसको दिलीप को पकड़ा और हाथ पकड़ के खींचते हुए फैक्ट्री के अंदर ले गया। फैक्ट्री के अंदर आते से ही ना वो पूरा ऐसा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा, डर रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अंशु बोल रहे हैं नहीं नहीं इसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, पानी वानी दो। पानी पी नहीं पा रहा है, फेंक दे रहा है, वही 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 शायद उसके दिमाग में आ रहा है। जैसे तैसे करके पूरी रात कटी,
ये पूरी रात 1% भी काम नहीं कर पाया। जिनका मैनेजर था वो भी बार बार बोल रहा है, लेकिन इसकी तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चाहे वो डर के कारण कहो या वो खाने की वजह से कहो, इसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। अगला दिन निकला और इन लोगों की छुट्टी हो गई। अब इसको संभालते, सुबह होते होते तक वो एकदम शांत हो गया, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ शांत एक जगह देख रहा है, तो देख ही रहा है। तो अपनी फैक्ट्री से घर की तरफ जाते हुए अंजू ने समझाया भी दिलीप को, अरे दिलीप इतना क्या टेंशन ले रहा है, ठीक है ना यार, ऐसी चीज़ें हो जाती है, वैसे भी तूने कभी ना कभी बचपन में तो नॉनवेज भी खाया ही है। तो इसने बोला कि नहीं, तू नहीं समझेगा, कुछ और है मेरे दिमाग में जो मुझे हर सेकंड खा रहा है। बस इतना ही इसने बोला है और इन लोगों का घर आ गया। तो दिलीप को अंशु बोलता है कि दिलीप तू भी सो जा, अपन रात भर से काम कर रहे हैं, सो ही नहीं है, ना जाने कितना समय हो गया, मैं भी जाता हूँ, फिर उठ के अपन मिलेंगे, अब तो डायरेक्टली कल अपन को काम पर जाना है। ऐसा बोल के ये दोनों अपने अपने कमरे में, फिर जब नींद खुली है वापस से अंशु की, सो गया होगा ना, दोनों सो गए होंगे ऐसा लगा। फिर जब वापस से अंशु की नींद खुली है तो 2:45 बज रहे हैं दोपहर के। ये उठा झटके से, मोबाइल उबाइल देखा, फ़ोन फान तो नहीं आया है दिलीप का, क्योंकि दिलीप की चिंता भी। तुरंत ही अपना मुंह धोया और सीधे चप्पल डाल के दिलीप के घर की तरफ। दरवाज़ा खटखटाया, दिलीप नहीं खोला, दिलीप बिल्कुल नहीं खोला। दरवाज़ा 5-6 बार ठोका है, नहीं खोला ना, तो अब इसको घबराहट होने लगी। अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो आस पड़ोस के लोग भी बाहर आए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बोले दरवाज़ा तोड़ो, नहीं खोल रहे। तो दरवाज़ा तोड़ के जैसे अंदर घुसे हैं, क्या पाए कि दिलीप अपने बिस्तर में उल्टा पड़ा हुआ है, नाक मुंह कान आँख से खून बह रहा है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। फटाफट पुलिस को फ़ोन करके बुलाया गया। पुलिस वाले आए तो बोले ये पता नहीं क्या केस है, क्या नहीं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ऐसे तो अपन डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्या हुआ है। फिर हॉस्पिटल गए हैं भैया, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोले कि इनकी तो मतलब ऐसा अटैक जैसे ही कुछ आया, कई बार कई अटैक में ऐसा होता है, आँख से खून आ जाता है, नाक से खून आ जाता है। तो इस लड़के के साथ भी वही हुआ है, लेकिन वो चीज़ इसके दिमाग में रही अंशु के, कि अभी क्यों हुआ है, तो हट्टा कट्टा था, हष्ट पुष्ट था, 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कल हमारे साथ क्या कांड हो गया। अब इसने ये बात किया पुलिस वालों से, बोला कि सर मुझे लगता है कि हमने कल कहीं से कुछ लिए थे, उसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास इतना समय भी नहीं था कि डायरेक्टली वो पहले पुलिस स्टेशन चले जाते। इन लोगों का रात भर काम कर करके हालत ख़राब हो गई थी, तो घर पे आके सोना सही समझे थे। अब पुलिस वालों से बात कर रहा है ये, जब इसकी मृत्यु वगैरह हो गई, हॉस्पिटल में बात कर रहा है, सर हम लोग रात के समय एक ढाबे में रुके थे और ये खाए थे, ऐसा ऐसा हुआ था। पुलिस वाले बोलते क्या बात कर रहे हो, किस तरफ है वो ढाबा? तो बताए जो हमारी ये जो शुगर वाली फैक्ट्री है उससे जो पीछे वाला जो रास्ता जाता है ना, वहीं पे पड़ता है वो ढाबा। पुलिस वाले बोले ढाबा वहाँ पे पड़ता है? बोले वहाँ पे तो कोई ढाबा नहीं है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, ढाबा है, चलिए आप मेरे साथ। तो 2 कांस्टेबल को भेजा गया इसके साथ, वहाँ पे जाके सामने खड़ा हुआ तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो जो ढाबा जो रात में खिला हरा भरा सब दिख रहा था, वहाँ पे वो आदमी था, हाथ घुमा के पकोड़े दिया था इनको उंगलियों वाले, वो ढाबा तो पूरा खंडर था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। उसके हुलिये को देख के ऐसा लग रहा था ये कल रात से तो क्या ना जाने कितने सालों से वापस से चालू नहीं हुआ है। तब जाकर हवलदारों ने बताया भाई इतना क्या घुर रहा है, कि अपने 99 के टाइम की बात है, उसके पहले तक ये ढाबा मस्त चलता था। ये ढाबे वाले आदमी का पूरा परिवार गाड़ी से कहीं जा रहा था और सड़क हादसे में उनकी गाड़ी कहीं पर ठुक गई और सभी की मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये ढाबा चल ही नहीं पाया, जैसे मानो कि उनकी आत्माएं यहीं पर बस गई, और जो भी ढाबा चलाने की कोशिश किया, मतलब उनके जो रिश्तेदार होंगे उन लोगों ने चलाने की कोशिश किए, नहीं चला पाए, खेल ख़त्म ही हो गया। 1 साल के अंदर ये ढाबा खंडर बन गया पूरा। उसने बोला सर हम लोग आए थे। बोले आया होगा, हंसते हवलदार लोगों ने बोले आया होगा, भूत नहीं खिलाया होगा पकोड़े, क्या बात करते हो यार, तुम लोग तो नशा वशा तो नहीं करते, नशे का भी चेकअप कराना पड़ेगा उसका। ऐसे बोल के हवलदार लोग निकल पड़े, लेकिन इसके दिमाग में तो रह गया अंशु के, कि साला कल हमको मिला था भूत, जिसने हमको खिला दिया आँखों के और उंगलियों के पकोड़े, जिसकी वजह से मेरे दोस्त की जान नहीं बच पाई। इसीलिए तो कभी कभी समझ में आता है, ऐसा सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है
कि कहीं से भी कुछ नहीं खाना चाहिए खरीद के, और स्पेशली रात के टाइम में तो कहीं पर भी सुनसान जगह पे जाओ, कोई भी ढाबा या कोई भी रेस्टोरेंट ऐसे दिखते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है किसी भी चीज़ को लेके, तो वहाँ से आप निकल जाओ तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि नहीं पता कि वहाँ पे आपके साथ क्या हो जाए या आप क्या खा लो, कीड़े मकोड़े, उंगलियाँ या आँखें क्या खा लो पता भी ना चले। मेरा तो ये कहना है कि यार ऐसी सिचुएशन में आपको घर से ही लेके निकलना चाहिए। घर से लेके नहीं निकल सकते, इनकी जैसी कोई सिचुएशन फंस रही है तो कुछ पैकेट वाला खरीद के खा लो। अगर ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हो ना तो भी अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस को उस समय के लिए छोड़ दो, लेकिन खुला उला कहीं पे भी ऐसा किसी के हाथ से लो भी मत, खाओ भी मत, नहीं तो ऐसा लोग ना काला जादू वगैरह करके भी कई बार खिला देते हैं। सही बात, बहुत सारे केसेस मैंने भी सुना और आपने भी बेशक सुने होंगे। खैर इस पूरी पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि खुद अंशु ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि सभी लोगों तक ये कहानी पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और जानकारी मिल पाएगी। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोग पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।